इंडिया न्यूज के खास शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने सबसे पहले संगीत सिंह सोम से सवाल दागा। संगीत सोम साहब, आप जिम्मेदार हैं इस हिंसा के लिए, भागते क्यों फिर रहे हैं? पुलिस के सामने समर्पण क्यों नहीं कर देते? नहीं, ये किसने आपसे कह दिया कि मैं भागता फिर रहा हूं? मैं बिल्कुल भागता नहीं फिर रहा हूं अपने क्षेत्र। और आपका क्षेत्र क्या मुंबई है? एकदम झूठे हैं। क्षेत्र क्या मुंबई है? नहीं, मेरी आज की डॉक्टर से, दीपक जी, मेरी आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। मैं हर महीने आता हूं डॉक्टर के पास, आज मेरी अपॉइंटमेंट थी, उसी अपॉइंटमेंट के तहत आज ही दोपहर की फ्लाइट से आया हूं मैं। ये बात सही नहीं है कि आपके ठिकानों पर दिल्ली में, आपके ठिकानों पर दिल्ली में सब जगह तलाशी हुई और आप छोड़ के भाग गए उन तमाम जगहों को? नहीं, बिल्कुल गलत। मेरे यहाँ ना ठिकाने पे कोई पुलिस आई है और ना मैं कोई क्रिमिनल हूँ जो छोड़ के भागूंगा। जनप्रतिनिधि हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ। बिल्कुल गलत कह रहा है आपसे अगर कोई बता रहा है कि मेरे ठिकाने पे पुलिस आई है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने दो टूक कहा, उन पर लगे आरोपों के पीछे राजनीतिक साजिश है। राजनीतिक तरीके से मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है। सरकार अपनी नाकामी को मेरे सिर पे फोड़ना चाह रही है, भाजपा के सिर पे फोड़ना चाह रही है। ये सरकार की अपनी नाकामी है। अब वो कैसे बताए कि मैं मुकदमा संगीत सोम पे क्यों लगाया है? मुझ पे अगर कोई मुकदमा उन्होंने लगाया है मुझे बताएं। मुझे ना कोई मुकदमे का पता है, मुझे तो पेपर से पता लगा है कि मुझ पर मुकदमा इन्होंने किया है। नहीं तो पता लगा था तो जिम्मेदार प्रतिनिधि के नाते आप जाते ना प्रशासन के सामने? रोज अपने क्षेत्र में हूँ, रोज क्षेत्र में अधिकारी सारे मुझसे रोज बात कर रहे हैं, टच में है मेरे से। अभी कल भी मुझसे अधिकारी लोग मिले हैं। ये गलत आपको कोई खबर दे रहा? संगीत सोम ने खुद को बेकसूर बताया और पूरे देश के सामने खुला चैलेंज दिया। पहली बात तो वो किसी जाटों की महापंचायत नहीं थी। गलत कहते हैं, जाटों की महापंचायत थी वो। महापंचायत संपूर्ण हिंदू समाज की थी और मैं उस पंचायत में था। और आपने भड़काऊ भाषण दिया वहां पर? अगर मैंने भड़काऊ भाषण दिया, देखिए दीपक जी, इनके कहने से कुछ नहीं होता कि भड़काऊ भाषण दिया। अगर मैंने भड़काऊ भाषण दिया है तो पूरे भाषण की क्लिपिंग होगी इनके पास, उसे मंगवाइए और पूरी दुनिया को सुनाए, पूरे प्रदेश को और देश को सुनाए कि मैंने क्या भाषण दिया। अगर एक शब्द भी मैंने कोई भड़काऊ कहा है तो मैं खुद दोषी हूं और मैं जाके सिलेंडर करूंगा और जेल चला जाऊंगा अगर मैं दोषी हूं तो। इंडिया न्यूज पर समाजवादी पार्टी के महासचिव राम आसरे कुशवाहा भी फोन पर जुड़े, लेकिन संगीत सोम से सीधे बात करने पर कन्नी काट गए। मैं कुशवाहा जी से पूछ रहा हूं कि दंगे, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। दंगे पहले शहर में हुए हैं, मुजफ्फरनगर शहर में दंगा हुआ है। अरे कौन है आप बताइए, कौन बोल रहे? सर, ये वो विधायक है जिनको आपकी सरकार खोज रही है, ये वांटेड है इस दंगे केस में, और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में बैठे हुए हैं, और आपकी सरकार ने इन पे नामजद मुकदमे दर्ज किए हैं और इनको खोज रही है लेकिन खोज नहीं पाई है। इनका नाम है संगीत सोम, ये सरधना से बीजेपी के विधायक है, पहले आपकी पार्टी में थे। फोन काट दिया। जब समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी और संगीत सोम का आमना सामना हुआ तो देखिए क्या हुआ। संगीत सोम साहब मेरे स्टूडियो में बैठे हुए हैं, ये मुजफ्फर हिंसा के लिए वांटेड हैं और आराम से देश भर के अंदर घूम रहे हैं। आपकी पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाई, हम पहुंच गए। अच्छा, मैं अभी बात करता हूं मुख्यमंत्री जी से। अगर ऐसा वांटेड वहां पे है तो भेज के पुलिस जल्दी उनको गिरफ्तार कीजिए। अगर FIR हुआ तो उनको गिरफ्तारी होना चाहिए। दीपक जी, अबू आजमी साहब को बता दीजिए, मैं कोई भागा हुआ नहीं हूँ। अबू आजमी साहब को बता दीजिए, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है तो इनको कानून का ध्यान देना चाहिए, इनको जाकर सरेंडर होना चाहिए। एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने अबू आजमी से सीधे पूछा, सरकार संगीत को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? कहा, यूपी के CM अखिलेश यादव को फोन लगाइए। अबू आजमी साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी टीवी पे फोन लगा दीजिए हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को और बताइए कि जो भागा हुआ विधायक है, जो मुलजिम विधायक है जिसको पुलिस ने पकड़ना है, वो इंडिया न्यूज के दीपक चौरसिया के स्टूडियो में बैठा हुआ है। बता दीजिए उनको फोन लगा के अभी। अखिलेश यादव को फोन लगाने के सवाल पर अबू आजमी लगातार कन्नी काटते रहे और आखिरकार फोन भी नहीं लगाया। मेरी बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी अबू आजमी जी सरकार में मुख्यमंत्री जी या मुलायम सिंह यादव जी को ये बताने को राजी नहीं है कि संगीत सोम साहब फरार हैं, एक स्टूडियो के अंदर बैठे हुए, उन्होंने फोन लगाने की भी जहमत नहीं उठाई ये साबित करता है। राजी हूं मैं। नहीं, लगा दीजिए आप मुझे टीवी पे लगा दीजिए सर, देख सुन लेगा आप कितने सिंसियर है। हम तो देखना चाहते हैं ना, फोन लगाते हैं तो क्या होता है। मेरे हाथ में फोन नहीं है अभी, मंगवा लीजिए। आप पूरे देश के सामने नेताजी को फोन नहीं लगा सकते, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लगा के दे दे मुझे।